पाठ वाचन आणि प्रश्न उत्तरे सवाल जवाब और सबक। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण दिवसभरात कितीही कामे करतात, काही कामे आपल्यासाठी नवीन असतात। नवीन कामे करताना आपल्याला त्याची जाणीव होते, नवीन अनुभव होतो। असलेच अनुभव रेहाना आणि सुमा ये दोघांना चंदूला भेटून आले। प्यारे बच्चों, हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उसका हमको तजुर्बा होता है। नए काम करने का नया अनुभव होता है, यानी नया तजुर्बा होता है। इस सबक में हम यही देखने वाले हैं कि सुमा और रेहाना को चंदू से मिलकर क्या तजुर्बा हासिल हुआ, अनुभव हासिल हुआ। इस सबक को आपको समझना है, पढ़ना है और जो अनुभव हासिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। चला तर मित्रांनो, आपल्या पाठकडे जाऊया। माझा अनुभव पाठ क्रमांक 18, पान क्रमांक 21। हे चित्रे पहा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला चित्राचे निरीक्षण करायचे आहे। प्यारे बच्चों, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका आपको बगौर मुताला करना है, इसको अच्छे से देखना है। हर तस्वीर आपके सामने 3 सेकंड के लिए आएंगी, आपको उसको देखना है और उसको समझना है कि उसमें क्या हो रहा है। इसे ही को कहते हैं निरीक्षण करना। आपने तस्वीरों को देखा, मुताला किया, अब देखेंगे असल में तस्वीरों में क्या हो रहा है। अपन या चित्रात काय घडत असते ते पाठद्वारे समजूया। ऐका पहा वो वाचा। सुनिए, देखिए और पढ़िए। चंदन माझा व सुमाचा मित्र आहे, तो आजारी पडला, म्हणून आम्ही त्याला भेटायला निघालो। इस तस्वीर के जरिए बताया जा रहा है कि सुमा और रेहाना का दोस्त चंदन बीमार हो गया है और वो दोनों उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो, आम्ही त्याला फळे दिली, फुले दिली। रेहाना और सुमा चंदन के घर गए, उसको फूल दिए, फल दिए। काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा मनाली। चंदन से मिलकर सुमा ने कहा कि अपना ख्याल रखो और वक्त पे दवाई लो। तू लवकर बरा हो, मग आपन खेळू, मजा करू, मी म्हणाले। ये स्टोरी हमको रेहाना सुना रही है, तो रेहाना ने भी वहाँ कहा कि चंदन तू जल्दी ठीक हो जा, हम साथ में मिलके खेलेंगे, बहुत मजा करेंगे। चंदन म्हणाला, रेहाना सुमा तुम्हाला भेटून मला आनंद झाला, आता मला बरे वाटते। चंदन ने रेहाना और सुमा से कहा कि तुम दोनों को मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी तबीयत अब सुधर रही है। चंदन ने आमचे आभार मानले, निघताना चंदनचा चेहरा हसरा दिसत होता, हे पाहून आम्हालाही आनंद झाले। जब रेहाना और सुमा चंदन को मिलकर निकल रहे थे तब चंदन ने उनका शुक्रिया अदा किया और निकलते वक्त जब उन्होंने देखा तो चंदन खुश हो रहा था, हंस रहा था। और ये देखकर रेहाना और सुमा को भी बहुत आनंद आया, यानी सुकून मिला, खुशी हुई। आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सांगा, ही गोष्ट ऐकून वाचून आणि पाहून तुम्हाला काय अनुभव निघून आले? एखाद्या आजारी असलेल्या, दुखी असलेल्या माणसाला भेटून त्याला 4 गोष्टी चांगले म्हणाले, त्याचे मनासारखे म्हणाले आणि त्याला आपल्याकडून सहानुभूती दिली, तर त्याला
बरे वाटते, त्याची तब्येत चांगली होऊ लागते। या पाठातून आपल्याला ही समझ मिळते, हे अनुभव मिळते की माणुसकी हे खरा धर्म आहे। यानी हमको इस सबक से ये समझ मिलती है, ये तजुर्बा हासिल होता है कि एक दूसरे का ख्याल करने पर जो खुशी हासिल होती है वो खुशी अल्फाज में बयान नहीं होती। इसलिए हमको एक दूसरे का ख्याल रखना है और ज़रूरत पर काम आना है। ये सबक यहाँ ख़त्म होता है। बढ़ते सवाल जवाब की तरफ, प्रश्न व उत्तरे। प्रश्न क्रमांक एक, कौन मनाले ते लिहा, यहाँ पर किसने कहा उसका नाम लिखना है। अ, काळजी घे वेळेवर औषध घे, हे वाक्य कौन मनाले, हे वाक्य सुमा मनाली। काळजी घे वेळेवर औषध घे, यानी अपनी फिक्र करो और वक्त पे दवाई लो, ये सुमा बोली। तू लौकर बरा हो, हे वाक्य रेहाना मनाली। तू लौकर बरा हो यानी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ऐसा रेहाना ने कहा। ई, आता मला बरे वाटते, हे वाक्य चंदन मनाला। आता मला बरे वाटते यानी अब मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा चंदन ने कहा। प्रश्न क्रमांक दो, सांगा। सवाल नंबर दो, बोलिए। अ, चंदन ला आनंद का झाला, यानी चंदन को खुशी क्यों महसूस हुई। रेहाना आणि सुमा हे दोघ चंदनला भेटायला आले, त्याची विचारपूस केली, तो आजारी होता म्हणून चंदनला आनंद झाला। चंदन बीमार था, सुमा और रेहाना उसको मिलने के लिए आए, इसलिए उसे खुशी हुई। अ, मी हा शब्द कुणासाठी आला आहे, मी ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया गया है ये बताना है। मी है शब्द रेहाना साठी आला आहे, मी ये लफ्ज रेहाना के लिए इस्तेमाल किया गया है। ई, आम्ही हा शब्द कोणासाठी आला आहे, आम्ही ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये बताना है। आम्ही हा शब्द रेहाना आणि सुमा साठी आला आहे, आम्ही ये लफ्ज रेहाना और सुमा के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न क्रमांक तीन, तुमचा मित्र मैत्रीण आजारी पडला पडली तर तुम्ही काय कराल, ह्याचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे। तुम्हाला मी सल्ला देतो की तुम्ही पण तुमच्या आजारी मित्र मैत्रिणीला भेटायला जा, जसे रेहाना आणि सुमा चंदूला भेटायला गेले होते आणि त्यांच्याशी दोन चांगले शब्द दोन चांगले वाक्य म्हणा, कारण त्यांनाही बरे वाटेल। आप भी आपके बीमार दोस्तों को मिलने के लिए जाइए और उनके पास बैठकर उनसे दो अच्छी बातें कीजिए, आपके बात करने से उन्हें भी चंदू की तरह अच्छा महसूस होने लगेगा। प्रश्न क्रमांक चार, घटना क्रमांकानुसार खालील वाक्यांचा क्रम लावा, वाक्यासमोर क्रमांक लिहा, यानी वाक्य के हिसाब से हमको जुमलों को नंबर देना है। जो वाक्य पहले हुआ, जो एक्टिविटी पहले हुई उसका पहला नंबर आएगा, उसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई उस तरह उसको नंबर देना है। यहाँ पर हमको सबक के वाक्यात एक के बाद एक दी गए, घटना दी गई है, हमको उनको क्रमांक के लिहाज से जोड़ना है। काळजी घे वेळेवर औषध घे, सुमा मनाली, चंदनाने दोघांचे आभार मानले, आम्ही त्याला फळे आणि फुले दिले। आम्ही त्याच्या घरी गेलो,
चंदन माझा आणि सुमनचा मित्र आहे, तो आजारी पडला। हे घटनांचे आपण वाचन केले, आता आपल्याला ह्याला क्रमांक द्यायचा आहे। घटना का वाचन याने हमने वाक्यात को पढ़ा है, अभी इसको हमको नंबर देना है। जो वाक्या पहले हुआ यानी उसकी नंबर को हमको पहले लिखना है। तो चलिए सबक के लिहाज से हम इन्हें जमाते हैं। सबक में जो पहले वाक्य आया है यानी जुमला आया है, जो घटना पहले हुई है, उसको हमको पहले नंबर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदन माझा आणि सुमाचा मित्र आहे, याला आपल्याला नंबर एक क्रमांक द्यायचा आहे। तो आजारी पडला, क्रमांक नंबर दोन। आम्ही त्याच्या घरी गेलो, याला क्रमांक नंबर तीन द्यायचा आहे। आम्ही त्याला फळे आणि फुले दिली, नंबर चार क्रमांक। काळजी घे, वेळेवर औषध घे, सुमा म्हणाली, नंबर पाच क्रमांक। चंदनाने दोघांचे आभार मानले, याचा क्रमांक सहा येईल। इस तरह हमने इनको घटना के हिसाब से, वाक्यात के हिसाब से जमाया है। एक दो तीन चार पाँच और छः नंबर के हिसाब से इनको हमने नंबर दिए है। पुढचा प्रश्न पहा, वाचा, रिकाम्याचार्यावर भाव दाखवा वो लिहा। येथे आपल्याला काही चेहरे दिलेले आहे, त्याच्यावर भाव आहे, भावाखाली त्यांच्या नाव लिहिलेलं आहे। जसे हसरा, आनंदी, रडका, भीतरा, रागीट आणि एक चेहरा रिकामा आहे, त्याच्यावर आपल्याला भाव द्यायचे आहे। तुम्ही हे पेन्सिल आणि कलरद्वारे करू शकतात आणि त्याच्या समोर त्याच्या भावचा, त्या भावाचा नाव लिहायचा आहे। तर आपण या रिकाम्या चेहऱ्यावर भाव देऊ शकतात। सॅड म्हणजे दुखी, दुखी चेहरा आपण याला नाव देऊ शकतात आणि दुखी चेहरा आपण इथे बनवू शकतात। येथे आपला हे पाठ संपलेला आहे। यहाँ पर हमारा ये सबक और उसके सवाल जवाब खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए तालीमी समंदर के साथ।